देखो जी, पिछले सवा साल डेढ़ साल तो प्राइवेट स्कूल माफी ने लुट मचाई हुई है। पंजाब सरकार की नलायकी है। कुछ बच्चे ने स्कूल बाहर कर दिया था, क्लास से बाहर कर दिया। देखो जी, जी पिछले सवा साल डेढ़ साल तो प्राइवेट स्कूल माफी ने लुट मचाई हुई है। पंजाब सरकार की नलायकी करके सुप्रीम कोर्ट तक एक केस गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों की उलंघना करने तो बाद भी ये स्कूल जे सालाना चार्ज तो होर फंड लैन वास्ते बच्चे ने स्कूलों जो बाहर कढ़ रहे हैं। एक जीरकपुर का स्कूल है, सेंट सोल्जर पैराडाइज स्कूल, उसने एक बच्चे का नाम ही कट के टी सी घर भेजता और भेजे भी उदो जो असी सिक्ख्या विभाग में शिकायत की है। जो लॉरेंस स्कूल है, लॉरेंस स्कूल ने बहुत सारिया फीसा लैन तो बाद सालाना चार्ज लैन वास्ते अगवाई करते हुए कुछ बच्चे स्कूल चो बाहर कढ़ दिता, क्लासा चो बंद कर दिता। असी अपनी एन जी ओ पंजाब अंग्रेज करप्शन वालों शिकायत की है सिक्ख्या विभाग को कि इन्होंने दोनों स्कूलों की एन ओ सी कैंसल करके सबक सिखाया जाए ताकि होर स्कूल तंग ना कर। तो हैरानी की गल है, अज जिहड़े स्कूलों खिलाफ़ असी शिकायत दी है सिक्ख्या विभाग के अधिकारी उन्होंने स्कूलों के अदालत लागे बैठे हैं कि यह स्कूल प्रिंसीपल के स्कूल मैनेजमेंट के पैरों में मेहंदी लगी हुई है कि यह स्कूल प्रिंसीपल के स्कूल मैनेजमेंट सिक्ख्या विभाग के इन्ने भारू हैं कि सिक्ख्या विभाग के अफसर इतने आना पै रहा मत्था टेकन दरवाजे से यही अपने दफ्तर क्यों नहीं बुलाते। साडा एक इतराज यह है। दूजा, पंजाब सरकार तो मंग है कि सिक्ख्या मंत्री ने 16 अप्रैल में बयान दिता खन्ने कि कोई स्कूल सालाना चार्ज नहीं ले सकते। की गल, सिक्ख्या मंत्री सानू बेवकूफ बना रहे हैं? पंजाब सरकार बयान तो जारी कर रही है, मंत्री बयान जारी करते हैं, रिटन ऑर्डर क्यों नहीं जारी करते ताकि स्कूल माफिया काबू आए? साडा दोष है कि सिक्ख्या मंत्री के उत्ते स्कूल माफिया का पूरा पूरा दबाव है। और पंजाब सरकार तो मंग करते हैं कि यह लॉरेंस पब्लिक स्कूल तो जिहड़ा जीरकपुर का स्कूल है, सेंट जेवियर की नाम का स्कूल, सेंट सोल्जर स्कूल जो है, उन्होंने एन ओ सी कैंसल करके बाकी स्कूलों सबक सिखाया जाए। और पंजाब सरकार तो मंग करते हैं कि थोड़े 23 जिले हो गए हूँ, हरेक जिले के ऑर्डर अलग अलग है जिला सिक्ख्या अफसर के। कोई मानसा का सिक्ख्या अफसर कह रहा कि तुम सालाना चार्ज नहीं ले सकते, कोई ए इन्हों को जाने कहते सालाना चार्ज लो। पंजाब सरकार कोई गाइडलाइन जारी करे, रिटर्न हुक्म जारी करे, सिक्ख्या विभाग के अधिकारी इको तरह के हुक्म जारी कर। असं इसलिए इतने अज आए हैं जी। अज साडी शिकायत सी कि जिन्हां स्कूलों ने बच्चों के नाल धक्का किया, बच्चों की पढ़ाई रोकी हुई है सिर्फ एनुअल फीसा की वजह करके, उन्हां स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। असी जिला प्रशासनिक जिहड़ा जिला सिक्ख्या अफसर है उन्होंने शिकायत दी सी, उन्होंने अज 3 मैंबरी कमेटी बना के मापियां दे नाल गलबात ते स्कूल दे नाल गलबात लई इत्थे बुलाया सीगा मापियां नूं जिन्हां दी शिकायत सी। तां इहदे विच इक तां इह गलत है जी कि जिहड़े स्कूल की शिकायत है अज जिला सिक्ख्या अधिकारी जां उन्हां दी जिहड़ी टीम आ वो उस स्कूल आ के उन्हां दी इनकुआरी करे, मतलब उन्हां नाल गलबात करे, चाह पीवे, ये गैर कानूनी सिद्ध हो रहा। उन्होंने चाहिए किसी तीजी थान पर, जो दोवें धिरों का मसला है तो किसी तीजी थान पर बैठ के उन्होंने सुलझाया जाना चाहिए। इस तरह पक्षवाद होने के ज़्यादा आसार ने। तो हूँ सवेरे 9 बजे का जीरकपुर के पेरेंट्स को बिठाया होया इतने, तो जीरकपुर के पेरेंट्स 9 बजे तो लैके हूँ 11 बज गए जी। ऐसी कि अंदर CBI जांच चल रही है, जो कि ऐसे क्राइम करता उस बंदे ने भी जिन्होंने 9 बजे तो लैके हले तक अंदर बिठाया गया, वह स्विच ऑफ फोन आ रहा है। तो इन्ना ज़्यादा जिहड़ा जिहड़ा सरकारी अफसर भी जिहड़े ने ते जां स्कूल प्रशासन आ ये सारा मिलके आम जनता नाल बहुत बेनियाई कर रहा है। देवेश कौशिक बोल रहा हूँ और यहाँ पे हम आए हैं स्कूल के अगेंस्ट, क्योंकि हमने कंप्लेंट की थी पेरेंट्स ने भी कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस निकाल दिया है। इवन जब पंजाब सरकार ने बोल दिया है कि आप ट्यूशन फीस के अलावा कोई और चार्जेस नहीं ले सकते, उसके बावजूद भी आर्ट डिपार्टमेंट को खुद चल के आना पड़ रहा है इनके पास फैसला करने के लिए, जो कि हम सोचते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि जस्टिफाई नहीं हो सकता, यहाँ पे उन्हीं के यहाँ बैठ के उनके सपोर्ट में अपने जस्टिस नहीं हो सकता इसमें। तो हम चाहते हैं कि इनकी NOC रद्द की जाए। सेम स्कूल है सेंट सोल्जर जीरकपुर, उसमें भी सेम स्कूल का है और 9 बजे से बैठा है पेरेंट्स यहाँ पे 11 बजे तक। कौन सी इतनी जाँच हो रही है? डॉक्यूमेंट उनके पास है, सारी बातें बता दी गई हैं पेरेंट्स के द्वारा, फिर भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। 11 बजे तक अभी भी सब बाहर बैठे हैं। तो हम अपनी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जस्टिस हो हमारे लिए पेरेंट्स के, ताकि राहत मिले। थैंक यू। मेरा नाम बिंदु शर्मा है और मेरा बेटा लॉरेंस पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, जो कि स्टार्टिंग से लेके आज वो 6th क्लास में हो गया, वो यहीं पे पढ़ता है। लेकिन सिर्फ एनुअल चार्जेस की वजह से इन्होंने फर्स्ट डे से, अप्रैल के फर्स्ट डे जब से सेशन शुरू होता है उस दिन से मेरे बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव किया गया। उसके बाद मैंने अप्रैल की फीस भी पे कर दी है बट एनुअल चार्जेस नहीं पे किए, इसकी वजह से आज तक उसकी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी। मैंने चाइल्ड कमिश्नर को, DO को, सभी को मैंने मेल्स डाली है, जाके मिली भी हूँ, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। आज DO साहब ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है, जो 12 बजे मेरी टर्न आएगी, उसमें देखते हैं ये लोग क्या फैसला लेते हैं। हमारा सिर्फ यही मांग है कि हमारे बच्चे की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो रिज्यूम की जाए। हम पे करने के लिए तैयार हैं पर एनुअल चार्जेस हैं,
जो एनुअल चार्जेस ये डिमांड कर रहे हैं भी एनुअल चार्जेस हैं, बट हमें डेफिनेशन चाहिए भी एनुअल चार्जेस किस चीज़ के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम जब से हमारा बच्चा पढ़ रहा है हमने कभी डिमांड नहीं की भी आप एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है, लीजिए बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है। बट ड्यूरिंग ये कोविड के पैंडेमिक में ये चक्कर है भी आप 6500 जो आप पे करने के लिए बोल रहे हो, मुझे कुछ उसका तो चाहिए भी, आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना। आप सिर्फ एनुअल चार्जेस के चक्कर में एक बच्चे को स्टडी से निकाल देते हो, वो चीज़ गलत है। अभी आपको अंदर के लिए चाहिए ना, अभी आपको अंदर बुलाया गया था, क्या किया मीटिंग में सर? क्या अभी अंदर बुलाया है, लेट बी, हाँ अभी वो क्या बोलते हैं क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं 6500 पे भी कर दूंगा, बट जो 2 महीने मेरे बच्चे की स्टडी इफेक्ट हुई है उस चीज़ के लिए कौन एंसर करेगा? उस चीज़ के लिए कोई आंसर करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा, बिकॉज इनको हम रिटर्न में दे दें कुछ कर दें, ये चाल अपनी ही चलेंगे भी, हाँ जो इनके पास टाइम है उसके लिए, बच्चे का क्या फ्यूचर कर रहा है क्या हो रहा है उसके लिए इनको कोई इफेक्ट नहीं है। सर अभी तक कोई और भी पेरेंट्स आ गए हुए हैं इस मामले में? सर जी देखिए अभी तक सिर्फ मेरी नॉलेज में ये है, अभी शायद दाऊ सर हैं ये जो सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो आगे आए नहीं है, रीजन भी उनके पास टाइम नहीं है या उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो चीज़ ऐसा बोल सके। मैंने तो अपने बच्चे की एक साल की रिस्क लेके स्टडी का रिस्क लेके मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आज आपके सामने मैं प्रेस में बोल रहा हूँ, कल को यही चीज़ बोलेंगे अभी हाँ प्रेस में क्यों गए थे, हमने क्यों स्टेटमेंट दिया, वो बच्चों को निकाल लेंगे। मैं तो रिस्क ले रहा हूँ ना अपने लिए, मैं अपने बच्चे के लिए रिस्क ले रहा हूँ, बाकी बच्चे बाकी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत होंगे ऐसे पेरेंट्स।